So, do you believe your continued electoral success is largely supported by women voters? मैं पूरी तरह कन्विंस हूँ, मैं व्यक्तिगत जीवन में फील करता हूँ कि मुझ पर देश की मातृशक्ति का बहुत आशीर्वाद रहा है। मैं तो मेरा सुरक्षा कवच भी मेरी माताओं बहनों को मानता हूँ, और जो भाव भक्ति से माताएं बहनें मुझे आशीर्वाद देती हैं, वो उससे बड़ी क्या शक्ति हो सकती है। और मैं भी इस मत का हूँ कि समाज की समृद्धि का मूल मानदंड है वहां की नारी शक्ति का सशक्तिकरण। मैंने अभी उनको ड्रोन पायलट बनाने शुरू किया, इतना एक्सपीरियंस मेरा पॉजिटिव है। मेरा एक मिशन है लखपति दीदी बनाने का, और इस बार हमने मैनिफेस्टो में कहा है कि मैं 3 करोड़ लखपति दीदी बनाऊंगा। यानी लखपति दीदी वो जो गांव में छोटे मोटे काम करते हैं उन लोगों में से है। मुद्रा योजना में 70% उसके जो बेनिफिशियरी हैं वे विमेन हैं, जो एंटरप्रेन्योरशिप में आए। सेल्फ हेल्प ग्रुप की अपनी एक ताकत बढ़ी, और सेल्फ हेल्प ग्रुप को मैंने पैसा ज्यादा देना तय कर दिया, बिना गारंटी देते हैं। और मेरा आनंद ये है कि कोई एनपीए नहीं होता है, जितना लोन लेते हैं समय के पहले दे के जाते हैं। पार्लियामेंट के अंदर नई पार्लियामेंट बनी तो मेरे मन में था नई पार्लियामेंट में पहला काम कौन सा करूं, तो मेरे मन में स्वाभाविक मेरे देश की माताएं बहनें आई, और भारत की संसद ने सर्वसम्मति से पहला कानून पास किया, वो नारी शक्ति वंदन अधिनियम, महिलाओं के लिए आरक्षण का काम किया। तो मैंने नए संसद के भवन को भी देश की नारी शक्ति को समर्पित करते हुए प्रारंभ किया। तो मैं बाकी तो आप देखिए, सेना के अंदर आज हमारी बेटियां हैं, खेलकूद में हमारी बेटियां हैं, साइंटिफिक फील्ड में हमारी बेटियां हैं, चंद्रयान की बात हो, और इसलिए मैंने वहां नाम भी क्या रखा, शिव शक्ति। मेरे मेरे जो भाव विश्व है उसका प्रगटीकरण हर क्षेत्र में अलग अलग प्रकार से होता है, उसमें मेरा जो मातृशक्ति के प्रति मेरा श्रद्धा भाव है वो तो प्रकट होता है।